शांति। आज 4 फरवरी 2023 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रियत निकाल, माँ में कम याद करो, यही मंजिल है। प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? उत्तर है, सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। यह अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। इससे ही माला माल बन जाते। जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं उतना साहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, यही है सर्वोत्तम सेवा। ओम शांति। शिव बाबा अपने सालिग्राम बच्चों को समझाते हैं, यह है परमात्मा का अपने बच्चों आत्माओं प्रति ज्ञान। आत्मा आत्मा को ज्ञान नहीं देती, परमात्मा शिव बेट, ब्रह्मा सरस्वती और तुम लकी स्टार्स बच्चों प्रति बेट समझाते हैं, इसलिए इनको परमात्मा ज्ञान कहा जाता है। परमात्मा तो एक ही है, बाकी क्रिएशन है क्रिएटर की। जैसे लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेगा कि यह सब हमारे रूप हैं, नहीं कहेगा यह हमारी रचना है। तो यह रूहानी बाप है, जिसे भी पार्ट मिला हुआ है वही मुख्य एक्टर क्रिएटर और डायरेक्टर हैं। आत्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, परमात्मा के लिए कहा जाता है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। उन सब गुरुओं की तो अपनी अपनी अलग मत हैं, इसलिए परमात्मा आकर एक मत देते हैं, वह है मोस्ट बिलीव्ड। उस एक के साथ बुद्धि योग लगाना है और जिसके भी साथ तुम्हारी प्रीत है वह सब धोखा देने वाली है, इसलिए उन सब से बुद्धि निकालनी है। मैं तुमको सब संबंधों का सुख दूंगा, सिर्फ मामे कम, यह है मंजिल। मैं सबका डियरेस्ट डैड यानी प्यारा पिता भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम समझते हो उस द्वारा हमको जीवन मुक्ति मिलती है, यही अविनाशी ज्ञान खजाना है। यह खजाना ट्रांसफर हो फिर 21 जन्म के लिए विनाशी धन बन जाता है। 21 जन्म हम बहुत माला माल हो जाते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं। इस अविनाशी धन का दान करना है। आगे तो विनाशी धन दान करते थे तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख दूसरे जन्म में मिलता था। कहा जाता है पास्ट जन्म में कुछ दान पुण्य किया है जिसका फल मिला है वह फल एक जन्म का ही मिलता है। जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध नहीं कहेंगे, हम जो अब करेंगे उसकी प्रारब्ध हमको जन्म जन्मांतर मिलेगी। तो अब यह है अनेक जन्मों की बाजी। परमात्मा से बेहद का वर्षा लेना है। सबसे अच्छा कर्म है अविनाशी ज्ञान खजाना दान करना। जितना धारण कर औरों को कराएंगे उतना खुद भी साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। यह है सर्वोत्तम सेवा, जिससे सदगति होती है। देवताओं की रसम रिवाज देखो कैसे संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म है। प्यूरिफिकेशन यानी संपूर्ण पवित्रता सतयुग त्रेता में ही रहती है। देवताएं ही बहिष्ठ में रहने वाले हैं, उन्हों को ही ऊंच गाते हैं। जो सूर्यवंशी
सतयुग में बनते हैं, वही संपूर्ण हैं। फिर थोड़ी खाद बढ़ जाती हैं। अब तुम समझते हो देवताएं किस बहिष्ट के निवासी हैं। वैकुंठ ही वंडरफुल दुनिया, वहाँ दूसरे धर्म वाले जा नहीं सकेंगे। यह सब धर्मों को रचने वाला ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। यह देवता धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते हैं। यह तो कहते हैं मैं इम्प्योर था, मेरे में ज्ञान कहाँ से आया, और सब प्योर सोल्स ऊपर से आती हैं अपना धर्म स्थापन करने। यहाँ तो परमात्मा धर्म स्थापन करते हैं। जब इसमें आते हैं तब इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। कहा जाता है ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। अब प्रश्न उठता है कि इन देवताओं से मनुष्य सृष्टि रची गई क्या? नहीं। परमात्मा कहते हैं मैं जिस साधारण तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है। वह सूक्ष्म ब्रह्मा है, तो दो ब्रह्मा हो गए। इनका ब्रह्मा नाम रखा गया है क्योंकि कहते हैं साधारण तन में आता हूँ, ब्रह्मा के मुख कवल से ब्राह्मण रचता हूँ, आदि देव से ह्यूमिनिटी रची गई। यह हुआ ह्यूमिनिटी का पहला बाबा। फिर वृद्धि होती जाती है। अब तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं, परंतु बनेंगे तब जब देह सहित देह के सब संबंधों से नाता तोड़ेंगे। बाबा मैं तुम्हारा ही हूँ, बस यह तो निश्चय है। हम सो प्रिंस बनते हैं, चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है ना, वह है ही युगल। चित्रों में ब्रह्मा को 10-20 भुजाएं दिखाते हैं, काली को कितनी भुजाएं दी हैं, इतनी बाहों वाली चीज तो होती नहीं। यह सब अस्त्र शस्त्र हैं, अपना है ही प्रवृत्ति मार्ग। बाकी ब्रह्मा की जो इतनी भुजाएं दिखाते हैं, समझते हैं यह जो ब्रह्मा के बच्चे हैं वह जैसे इनकी बाहें हैं, बाकी यह काली आदि कुछ नहीं है। जैसे कृष्ण को काला कर दिया है वैसे काली का भी चित्र काला कर दिया है। यह जगदम्बा भी ब्राह्मणी है। हम अपने को भगवान अथवा अवतार नहीं कहते हैं, बाबा कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो। वास्तव में सब शिव कुमार हैं, सालीग्राम। फिर मनुष्य तन में आने से तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो, ब्रह्मा कुमार कुमारिया, फिर जाकर विष्णु कुमार कुमारिया बनेंगे। बाप क्रिएट करते हैं, फिर पालना भी उनको करनी पड़ती है। ऐसे डियरेस्ट डैड के तुम वारिस हो, उनसे तुम सौदा करते हो। यह तो बीच में दलाल हैं। बाबा हैं होली गवर्नमेंट, वह आए हैं इस गवर्नमेंट को भी पांडव गवर्नमेंट बनाने। यह है हमारी ऊंच सर्विस। गवर्नमेंट की प्रजा को हम मनुष्य से देवता बनाते हैं बाबा की मदद से, तो हम उनके सर्वेंट हैं ना, हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं। हम बाबा के साथ आए हैं सारी दुनिया की सर्विस करने। हम कुछ लेते नहीं हैं, विनाशी धन महल आदि हम क्या करेंगे। हमको तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। तुम बच्चों को अभी सच्चा सच्चा ज्ञान मिल रहा है। शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह भक्ति है। ज्ञान माना सदगति, सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए हैं तब तक मुक्त भी नहीं हो सकते। हम जीवन मुक्त होते हैं
बाकी सब मुक्त होते हैं। तब तो कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। फिर इसमें भी सर्वव्यापी परमात्मा है, यह बात नहीं रहती। यह तो कहते हैं कल्प कल्प मैं अपनी मत से सबकी सदगति करता हूँ, सदगति के साथ गति आ ही जाती है। नई दुनिया में रहते ही थोड़े हैं। आगे हम कहते थे घट घट ही में सूर्य, घट ही में चांद, घट ही में 9 लख तारे, घट में सूर्य इस समय है, घट में शिव है जिसका ही इतना विस्तार है, फिर घट में मम्मा बाबा और लकी स्टार्स। विवेक भी कहता है सतयुग में जरूर थोड़ी संख्या होनी चाहिए, पीछे वृद्धि होती है। यह सब समझने की बातें हैं। जो जितना प्योर यानी पवित्र होगा उतनी धारणा होगी, इम्प्योरिटी से धारणा कम होगी। प्योरिटी फर्स्ट, क्रोध का भी भूत रहे जाता है तो माया से हार खा लेते हैं। यह युद्ध है ना, उस्ताद को पूरा हाथ देना है, नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। जिनका हाथ में हाथ है उनके लिए ही बरसात है। जैसे बाबा साक्षी हो पार्ट भी बजाते हैं, देखते भी हैं। यह तो समझ सकते हो कि माँ बाप और लकी स्टार्स जो अनन्य हैं उनको ही फॉलो करना है। यह तो समझाया है, मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखिलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। रात्रि क्लास तारीख है 23 दिसंबर 1958। देखो ऑलमाइटी बाबा के यह सब कितने रूहानी कारखाने यानी सेंटर्स हैं, जहाँ से हर एक को रूहानी रत्न मिलते हैं। बाबा हैं सब कारखानों का सेठ, मैनेजर्स लोग संभाल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं। दुकान कहो हॉस्टल कहो, यह तुम ब्राह्मणों की फैमिली भी है। तुम्हें अपना जीवन बनाना है एजुकेशन से। इसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों इकट्ठा हैं, दोनों बेहद के हैं। और वह है रूहानी जिस्मानी दोनों हद के। गुरु लोग जो भी शास्त्रों आदि की रूहानी शिक्षा देते हैं वह सब है हद की। हम किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानते। हमारा है एक सदगुरु जो एक ही रथ में आते हैं। घड़ी घड़ी उनको याद करेंगे तब ही विकर्म विनाश होंगे। तुमको धन उस ग्रैंड फादर से मिलता है, इसलिए उनको याद करना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, यहाँ कर्म विकर्म होते हैं, क्योंकि 5 भूत हैं। हम बिल्कुल सेफ हैं। बाबा कहते हैं विकार दान में दे दो, फिर अगर वापिस लिया तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे मत समझना छिपा कर करेंगे तो पता थोड़े ही पड़ेगा। धर्मराज को तो पता पड़ेगा ना। इस समय ही बाबा को अंतर्यामी कहा जाता है। हर एक बच्चे का रजिस्टर वह देख सकते हैं। हम बच्चों के अंदर को जानने वाला है, इसलिए छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे भी चिट्ठी लिखते हैं कि बाबा हमारे से भूल हुए हैं, माफ़ करना, धर्मराज के दरबार में सजा नहीं देना। जैसे कि डायरेक्ट शिव बाबा को लिखते हैं,
बाबा के नाम पर इस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल देते हैं। भूल बताने से आधी सजा कम हो जाएगी। यहाँ प्यूरिटी बहुत चाहिए। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न यहाँ बनना है। रिहर्सल यहाँ होगी, फिर वहाँ प्रैक्टिकल पार्ट बजाना है, अपनी जांच करनी है। कोई विकर्म तो नहीं करते हैं, संकल्प तो बहुत आएंगे, माया बहुत परीक्षा लेगी। डरना मत, बहुत नुकसान होंगे, धंधा नहीं चलेगा, टांग टूट जाएगी, बीमार हो पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, पहले पहले बाबा के सामने आती हैं, इसलिए बाबा बताते हैं खबरदार रहना, पहलवान बनना है। देखो भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती हैं इतनी और कहाँ नहीं मिलती, परंतु यहाँ हमको एक सेकेंड भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि बाबा कहते हैं श्वासोश्वास याद में रहो। एक एक श्वास अमोलक है, तो वेस्ट कैसे कर सकते? जो वेस्ट करते हैं वह पद भ्रष्ट करते हैं। इस जन्म का एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूबल है। रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर या दोनों पर, जरूर दोनों का आशिक होना पड़े। बुद्धि में यह रहेगा कि वह इस रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है, वह भी पूजा जाता है। कितनी गुह्य बातें हैं जो रोज नहीं सुनते, तो कोई कोई पॉइंट्स मिस कर देते हैं। रोज सुनने वाले कभी पॉइंट्स में फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा की याद में बहुत प्रॉफिट यानी फायदा है। फिर है बाबा की नॉलेज को याद करना, योग में भी प्रॉफिट, ज्ञान में भी प्रॉफिट। बाबा को याद करना इसमें है मोस्ट प्रॉफिट, क्योंकि विकर्म विनाश होते हैं और पद भी ऊंच मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है श्वासोश्वास बाप को याद करना है। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। दूसरी पॉइंट है उस्ताद के हाथ में हाथ दे, संपूर्ण पावन बनना है। कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी है, पहलवान बनना है। आज का वरदान है समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ, व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ, व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। विश्लेषण है इस ज्ञान का इसेंस है स्मृति स्वरूप बनना। हर कार्य करने के पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि यह व्यर्थ है व समर्थ है। फिर कर्म में आओ, कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि मध्य और अंत तीनों काल समर्थ रहा। यह समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इसकी विशेषता ही निर्णय शक्ति है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। आज का स्लोगन है अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। अनेक प्रकार के
मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। अच्छा, ओम शांति।